दहेज के लिए एक नवविवाहिता की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दी। इसके बाद छानबीन में जुट गई। घटना लालगंज थाना क्षेत्र के सैदुल्लापुर गांव की है, जहां सैदुल्लापुर गांव निवासी वरुण कुमार उर्फ नवल कुमार की पत्नी का शव मिलने की खबर फैली। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी लालगंज थाने को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घर की छत पर से महिला का शव बरामद किया। दरअसल सदर थाना क्षेत्र के कुतुपुर डुमरी गांव के चुनमुन पासवान की बेटी अनुराधा कुमारी की शादी ढाई वर्ष पूर्व लालगंज थाना क्षेत्र के सैदुल्लापुर निवासी वरुण कुमार उर्फ नवल कुमार के साथ हुई थी। मायके वालों का आरोप है कि शादी के बाद से दहेज के लिए उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने आशंका जाहिर करते हुए कहा कि दहेज को लेकर ही उनकी बच्ची की हत्या की गई होगी। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच के बाद ही घटना के कारणों का खुलासा करने की बात कर रही है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं घटना के बाद से ससुराल वाले फरार हैं। भतीजी, यहाँ पे शादी हुआ है? कहाँ पे हुआ था? ये सतुल्लापुर गांव में जी, ठीक ना, शत्रुघ्न पासवान के पुतो हुई जी। अब क्या है कि उसको मार के सुलाए हुए था, झूठ मूठ के बोल रहा था कि अब ये फांसी लगा ली है जी, और कहीं भी गला का दाग नहीं है। गाँव का वाला भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि दाह संस्कार, मतलब लाश छोड़ के सब पूरा परिवार भाग गया, और दाह संस्कार के लिए भी कोनो तैयार नहीं है कि हाँ हम ले आएंगे। तो ये यही बात। आपको कैसे मालूम चला था? यहीं से एक लड़का फ़ोन किया था कि मार के लाश बचाने के लिए लेके भागा जा रहा है, जितना जल्दी हो आइए जी। तो हम लोग आ गए तो क्या देखे? देखे कि नीचे मार के सुलाए हुए हैं और कोई घर में कोई नहीं है। इसके बाद पुलिस आई है क्या? हाँ, पुलिस को 112 को फ़ोन किए हैं जी। तो पुलिस 112 आई है, फ़ोटो तो खींचे हैं, पूछे हैं, उसके बाद थाना को फ़ोन किए हैं तो थाना आई है। वो अपना प्रक्रिया किए हैं, बोले पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। वहाँ पता चला कि क्या वस्तु स्थिति है। पहले से भी विवाद था क्या कुछ? पहले से वही दहेज के लिए कुछ टीवी दे दो, मोटरसाइकिल तो दे दो, टीवी के लिए बात हो रहा था कि टीवी नहीं दोगे, बार बार टॉर्चर करता था। एक बेटा को, एक छोटा बेटा था उसका, तो उसको भी वहीं हम लोग रखे हुए थे, क्योंकि यहाँ बार बार टॉर्चर होता था, बच्चा पे उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो वहीं पर हम लोग रखे हुए थे। जब यहाँ आप आए थे तो घर में कोई था क्या? घर में कोई नहीं था, घर छोड़ के भागा। घर में जो आपकी दहेज के चलते मेरी बेटी को पीट पीट कर हत्या कर दिया गया। कौन हत्या किया? कैसे हत्या किया? सास, पति, दो आदमी उनको साथ में रहता था। जो कौन कौन है उसका नाम नहीं मालूम। देखिए, शादी आप कितने दिन पहले किए थे? शादी 3 साल पहले किए। कहाँ शादी वगैरह की? लालगढ़ से दुल्लापुर में। क्या कहता था? बार बार दहेज के ऊपर तड़ना कर रहा था कि दहेज तो मार देंगे, दहेज तो मार देंगे।